वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑन YouTube चैनल जी कैम। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने चैप्टर सॉल्यूशन का पार्ट फर्स्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर के कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैसे सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करेंगे कंसंट्रेशन के टर्म्स में। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कैसे सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करेंगे कंसंट्रेशन के टर्म्स में। मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी कंसंट्रेशन की, वो लिखवाई थी कि हम लोगों ने कितना सोल्यूट ऐड किया है, कितना सोल्यूट ऐड किया है, ठीक है दोस्तों, सॉल्वेंट में, और हमें क्या सॉल्यूशन मिला। आगे बात समझ, कितना सोल्यूट हम लोगों ने ऐड किया है जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा उसके अंदर, तो उस चीज को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन और सॉल्वेंट इन केजी। अगर आप सोल्यूशन बोलेंगे तो पूरे सोल्यूशन मतलब पर लीटर, एक लीटर सोल्यूशन में कितना आप लोगों ने सोल्यूट ऐड किया है, कितना सोल्यूट ऐड किया है एक लीटर सोल्यूशन में। मगर कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स आएंगे जहां हम सोल्वेंट की भी बात करेंगे, सोल्वेंट को हम केजी में लेके चलेंगे दोस्तों, क्लियर है। तो और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कुछ टर्म्स टेम्परेचर डिपेंडेंट थी और कुछ टर्म्स टेम्परेचर इंडिपेंडेंट थी। तो आज हम लोग टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स को वन बाय वन पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली जो टर्म्स आएगी वो आएगी हमारे पास परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। क्या आएगी दोस्तों? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। एक बार मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। पहले टर्म्स पढ़ेंगे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, सेकंड टर्म पढ़ेंगे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, थर्ड टर्म आएगी हमारे पास मोलैरिटी को डिस्कस करेंगे कि मोलैरिटी क्या होती है, फोर्थ टर्म आएगी हमारे पास स्ट्रेंथ की, स्ट्रेंथ क्या होती है, और उसके बाद हम करेंगे फॉर्मेलिटी, और जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द वीडियो। अगर वीडियो ज्यादा लंबी जाएगी तो हम यहां पर फिनिश करेंगे, वरना इसके बाद एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आएगा, बच्चों अपने नोट्स अच्छे से बनाते रहना, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है चाहे आप एग्जाम में बैठे हो चाहे लैब में काम कर रहे हो, दोनों जगह बहुत अच्छे से काम आएगा। अभी आप लोगों ने प्लस वन क्लास में पढ़ा भी होगा कि n बाय 10 का सॉल्यूशन बनाइए, n बाय 5 का सॉल्यूशन बनाइए, 0.2 नॉर्मल का सॉल्यूशन बनाइए, ऐसा क्वेश्चन किए होंगे ना, प्रैक्टिकल भी किए होंगे। तो वही से अब अगर प्लस वन में आप लोगों ने टॉपिक मिस किया है तो यहां पर इस टॉपिक को बड़े ध्यान से पढ़ना। टॉपिक का नाम है एक्सप्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, क्लियर। अब देखिए पहला जो टॉपिक आएगा हमारे पास क्या आएगा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या आप लोग सबसे पहले डेफिनेशन लिखिएगा, क्या डेफिनेशन होगी? इट इज डिफाइंड मास ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन सोल्यूशन, डिसॉल्व इन सोल्यूशन, कि आप लोगों ने कितना सोल्यूट डिसॉल्व किया है सोल्यूशन के अंदर। दोस्तों यहां पर जो सॉल्यूशन होगा उसकी अमाउंट हम ml में काउंट करेंगे, किसमें काउंट करेंगे, ml के अंदर। इट इज डिफाइंड मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन, क्लियर, ml में हम लोग काउंट करेंगे। इसका फॉर्मूला देखिए क्या बनेगा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, क्लियर, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है। तो अब हम लोगों को इसका फॉर्मूला लिखना है, लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट, क्लियर, और जो मास ऑफ सोल्यूट होगा वो होगा ग्राम में। मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया था कि क्यों लिया हम लोगों ने ग्राम में, क्योंकि ये सॉल्यूशन केमिकल से बना होता है और केमिकल हम लोग माइक्रो लेवल पे काम करते हैं, क्लियर है। तो अब देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन, यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर नहीं लिखेंगे, यहां पर सॉल्यूशन जो आएगा हमारे पास वो ml में लेंगे दोस्तों, किसमें लेंगे, ml के अंदर, और मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। अब 100 से क्यों किया,
परसेंटेज निकाल रहे हैं दोस्तों, क्या निकाल रहे हैं परसेंटेज। इसीलिए हम लोगों ने परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को किसमें लिया, पीछे मल्टीप्लाई किया 100 से। रिपीट कर रहा हूं, मास ऑफ सोल्यूट लेना है, क्या लेना है मास ऑफ सोल्यूट, ग्राम्स में कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ml में काउंट करेंगे, क्लियर, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। क्योंकि अगर मैं आपको बोल दूं एक पानी की टैंकी है, मैंने कुछ डिसॉल्व कर दिया, मान लो क्लोरीन डिसॉल्व कर दिया, क्लियर है, अब आप मैं बोलूं ढूंढो उसके अंदर कितना क्लोरीन है, भाई 1000 लीटर की टैंकी है, कौन ढूंढेगा, नहीं ढूंढ पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे 100 ml सॉल्यूशन तैयार करेंगे, और 100 ml इतना सा बनता है, क्लियर, उसके अंदर आइडेंटिफाई करेंगे कितना सॉल्यूट है और उसी हिसाब से उसकी परसेंटेज निकाल देंगे। एग्जांपल मैं लेता हूं, ये मोस्टली आप लोगों ने छोटे बच्चों की जो पीने वाली बोतल होती है उनके ऊपर देखा होगा, एक होती है लिक्विड फॉर्म में, एक होती है पाउडर फॉर्म में। पाउडर फॉर्म में लिखा होता है कि ये कंपाउंड इतना है, परसेंटेज उसकी ये है, कैसे लिखा होगा, मान लो मैं NaCl की बात करता हूं, लिखा होगा 10% ऑफ NaCl, क्लियर, वेट बाय वॉल्यूम, 10% ऑफ NaCl वेट बाय वॉल्यूम, ऐसे ब्रैकेट के अंदर वेट बाय वॉल्यूम लिखा होगा। इसका मतलब देखो क्या होता है, 10% इसका मतलब है कि कोई सॉल्यूशन है 100 ml, कोई सॉल्यूशन है 100 ml, उस 100 ml सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास क्या है, कोई 100 ml सॉल्यूशन है, उस 100 ml सॉल्यूशन के अंदर आपके पास 10 ग्राम वेट बाय वॉल्यूम है। दोस्तों वेट ऊपर वाला सॉल्यूट होता है इसलिए ग्राम में लेंगे, नीचे वाला वॉल्यूम है इसलिए ml में लेंगे। 10 ग्राम हमारे पास क्या है, सॉल्यूट है, क्या है बच्चों, सॉल्यूट हम लोगों ने लिया है। इसका यह मतलब होता है कि 10% ऑफ NaCl वेट बाय वॉल्यूम, 100 ml सॉल्यूशन है उसके अंदर 10 ग्राम सॉल्यूट होता है हमारा। अब सॉल्वेंट कितना बचा, वो 90 ml बचेगा, क्या बचेगा 90 ml, क्योंकि 10 ग्राम 9 point something के अप्रोक्स होता है, क्लियर। तो ये था हमारे पास परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। नोट्स साथ के साथ बना लीजिए, अगर कॉपी पेन नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो रहेगा हमारे पास परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, क्लियर। तो डेफिनेशन लिखिएगा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की, वो होती है हमारे पास, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इट इज डिफाइंड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन डिजोल्व इन, डिजोल्व इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, क्लियर। और यहां पर आप लोग ये भी लिख सकते हो डिजोल्व इन 100 ml सॉल्यूशन, डिजोल्व इन 100 ml नहीं लिखेंगे, सॉल्यूशन ही लिखेंगे खाली, डिजोल्व इन सॉल्यूशन, क्लियर। और सॉल्यूशन हमारा इसमें होगा ml में होगा, क्लियर दोस्तों। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, क्लियर, फॉर्मूला क्या होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, क्लियर, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसमें लेंगे, यहां पर अब की बार वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, क्या है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, इसलिए हम लोगों ने सॉल्यूट क्या लिया, ml में लिया है, क्लियर। नीचे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो भी किसमें लेंगे, ml में काउंट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100। ये भी आप लोगों ने आपके घरों में जो सिरप होते हैं, खांसी की दवाइयां होती हैं, आंख में डालने वाले आई ड्रॉप्स होते हैं, सबके ऊपर ऐसे फॉर्मूला लिखा रहता है कि कोई कंपाउंड है, फॉर एग्जाम्पल NaCl लेता हूं मैं, NaCl मान लो मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया, NaCl है कितना, यहां पर मान लो आप लोग के पास 25% NaCl ले लिया आपकी बात, ठीक है, ऑफ 25% NaCl ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितना ले लिया 25% ले लिया, यहां लिखा मिलेगा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेगा। कोई भी लिक्विड बोतल आप लोग उठा के देख लीजिएगा। अब देखो इसके ऊपर क्या है, 25% NaCl का मतलब होगा कि 25 ml हमारे पास सोल्यूट है, क्या है सोल्यूट, 100 ml सोल्यूशन है, कितना है 100 ml सोल्यूशन है, उसके अंदर हमारे पास 25 ml क्या होगा, सोल्यूट होगा दोस्तों, क्लियर है, 100 ml सोल्यूशन है, 25 क्या है सोल्यूट, इसका मतलब सोलवेंट कितना बचेगा, सिंपल सी बात है 75 ml हमारे पास क्या बचेगा, वो आप लोग का सोलवेंट होगा,
इतना क्लियर क्लियर है, रिपीट कर रहा हूं, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होता है, इट इज डिफाइंड अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन सोल्यूशन, कि आपके सोल्यूशन के अंदर, सोल्यूशन हमेशा एमएल में लेना है, और कितना एमएल, 100 ml, क्लियर, 100 ml सोल्यूशन के अंदर आपने कितना सोल्यूट ऐड कर रखा है उसको देखते हैं हम लोग, बोलते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। क्लियर फॉर्मा रहेगा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का, अमाउंट ऑफ सोल्यूट एमएल में लेनी है, क्यों लेनी है, क्योंकि लिक्विड में है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वो भी हम लोगों ने एमएल में लेनी है क्योंकि लिक्विड में है, लीटर में क्यों नहीं लिया, क्योंकि बहुत कम अमाउंट होती है, मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज के नाम का। एग्जाम्पल मैंने लिया 25% NaCl है मेरे पास, सॉल्यूशन है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जिसका मतलब होगा 25 ml सॉल्यूट है, NaCl क्या है, सॉल्यूट, उसके बाद 100 ml हमारा टोटल सॉल्यूशन हो गया, सॉल्वेंट कितना बचेगा, 75 ml हमारे पास क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। इतना क्लियर, उतार लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मोलैरिटी, क्या है दोस्तों, मोलैरिटी के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, और जो ये मोलैरिटी वर्ड है दोस्तों ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है, जो ये मोलैरिटी नाम का टॉपिक आएगा, मोलैरिटी दिखाई दे रहा है ना सबको, ओके, अब देखिए जो मोलैरिटी है, ये मोलैरिटी बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है कंसंट्रेशन की, हर बार आपको जितने भी न्यूमेरिकल मिलेंगे 100 में से 60% क्वेश्चंस के ऊपर ये बैठा हुआ बेचारा, 100% जो क्वेश्चन आएंगे ना बोर्ड एग्जाम में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में तो मोलैरिटी मोलैरिटी ही दिखेगा, इसलिए इस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझना। तो इसकी डेफिनेशन लिखिएगा, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्लियर, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, डिजोल्व इन 1 लीटर, या फिर दोस्तों मैं इसको डेसीमीटर क्यूब ही लिख सकता हूं, बहुत सारे क्वेश्चन में आप लोग लीटर की जगह ये देखने को मिलेगा। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, क्लियर है दोस्तों, 1 लीटर मैंने सॉल्यूशन लिया उसके अंदर कितने मोल्स हैं। एक और क्वेश्चन दोस्तों छोटा सा, कि हम लोगों को कंसंट्रेशन टर्म्स की जरूरत क्यों पड़ी, मैं ये भी तो बोल सकता सर जी मैंने तो 4 ग्राम ले लिया 5 ग्राम ले लिया, हाँ भाई ले सकते जी, ठीक है, मगर कुछ जब हम लोग उससे भी छोटे लेवल की बात करते हैं, जब पॉइंट्स की बात करेंगे वहां पर आप लोग ये नहीं बता सकते कि मैंने 4 पार्टिकल ले लिया, 4 पार्टिकल का वेट कहां करते फिरोगे, नहीं हो पाएगा भाई, काफी डिफिकल्ट काम है, इसीलिए हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स या फिर इस कंसंट्रेशन टर्म्स की जरूरत पड़ी। मैंने एक चुटकी नमक लिया उसको सब्जी में डाल दिया, क्या पता भाई पहले भी डाल रखा हो, हालांकि उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूं, मैंने एक ड्रॉप लस्सी की ली और 5 लीटर दूध में डाल दिया, क्या होगा बताओ, सिंपल सी बात, मम्मी आएगी पूछेगी बेटा क्या किया, अब ये थोड़ा बताओगे, अगर केमिस्ट्री के स्टूडेंट तो मोल्स में काउंट करोगे, ठीक है ना, अब या फिर ये बोलोगे मैं तो जस्ट थोड़ी सी डाली थी, भाई पिटना तो है, चाहे थोड़ी के लिए पिटो चाहे ज्यादा के लिए पिटो, ठीक है ना। तो अब उसी छोटी सी ड्रॉप को हम लोगों ने काउंट करना है कि कितने उसके अंदर पार्टिकल्स थे, कितने नंबर ऑफ मोल्स थे, ठीक है, तो वो इसीलिए कंसंट्रेशन टर्म्स की जरूरत पड़ी ताकि हम उस छोटी सी ड्रॉप के अंदर बता सके कि कितने नंबर ऑफ मोल्स है दोस्तों, क्लियर है। तो मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि नंबर ऑफ मोल्स को कैसे काउंट करते हैं, एक ड्रॉप के अंदर कितने ग्राम सोल्यूट होता है, क्लियर, वो भी उस टॉपिक के अंदर हम एक सेपरेट से वीडियो बनाएंगे। चलो आज के लिए स्टार्ट करते हैं, मोलैरिटी क्या था कि हमारे पास जो सोल्यूट है उसके कितने मोल 1 लीटर सोल्यूशन में हम लोगों ने डिजोल्व किए हैं, इतना क्लियर। अब इसका फॉर्मूला देखिए, मोलैरिटी को कैपिटल एम से मैं डिनोट करूंगा, किससे डिनोट करूंगा, कैपिटल एम से मैं डिनोट करूंगा, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर में हम लोग काउंट करेंगे इसको, क्लियर दोस्तों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन
लीटर। उसके बाद देखिए अब समस्या आएगी, सर ये नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों ने पहली बार सुना है या फिर सुना भी है तो निकालना नहीं आता। मैंने पिछली वीडियो में भी सिखाया है, वो जानबूझ के सिखाया ताकि आप लोग के दिमाग में छप जाए। दोबारा फिर देखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स को मैं स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, किसे? स्मॉल एन से। तो फॉर्मूला क्या होगा, गिवन मास डिवाइड बाय में मोलर मास। मोलर मास भी बच्चों मैंने पिछली वीडियो में निकालना सिखाया था, इस वीडियो में एक बार और देख लेंगे, ठीक है। एन इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। चलो सर ये बात तो ठीक है कि मोलर मास आपने पिछली वीडियो में सिखाया था और अब अभी सीख लेंगे। अब ये गिवन मास कहां से आ गया भाई? गिवन मास वो मास होता है जब टीचर आपको बोलता है लो भाई ये सोल्यूट है, आप लोगों को कोई सोल्यूशन तैयार करना है, जो गिवन आप लोगों को टीचर कंपाउंड देता है उसका जो वेट होता है, टीचर जो आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए कंपाउंड देता है उसका जो वेट होता है उसको हम बोलते हैं गिवन मास। जो मतलब टीचर ने दिया है, सिंपल सा याद रखो, जो टीचर ने दिया है गिवन, ठीक है, उसका जो मास होगा वो मास कहलाएगा। तो एक गिवन मास क्या होता है, जो टीचर ने हमें मास दिया है उसको बोलेंगे गिवन मास, क्लियर। मोलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूल का जो टोटल मास होगा दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास, क्लियर है, जिसको हम मोलर मास भी बोल लेते हैं। अब चलो मैं एग्जांपल के साथ देखते हैं इस क्वेश्चन को, इस पूरे क्वेश्चन को उतार लीजिएगा एक बार, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को ग्लूकोज का कोई सॉल्यूशन बनाना है, क्लियर है। ग्लूकोज का अगर क्वेश्चन आता है कि 60 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या फिर हाँ 60 ग्राम ग्लूकोज, 60 आप लोगों ने 60 ग्राम ग्लूकोज को डिसॉल्व किया, ठीक है दोस्तों, इन 250 ml वॉटर के अंदर ले लेते हैं। आप लोगों ने ग्लूकोन डी का पानी पिया होगा, सब लोगों ने 60 ग्राम मैंने ग्लूकोज लिया, डिसॉल्व कर दिया 250 ml वॉटर के अंदर, ठीक है। वॉटर से हमारा एक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, तो सॉल्यूशन तैयार होगा, यहां पर वॉटर ही सॉल्यूशन लिख देते हैं, 250 ml सॉल्यूशन के अंदर मैंने 60 ग्राम ग्लूकोज डाला है। तो बताइए इसकी सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी, क्या होगी, 60 ग्राम ग्लूकोज को मैंने 250 ml एक गिलास के अंदर मैंने आधा चम्मच ग्लूकोन डी डाल दिया भाई, अब बताइए उसकी मोलैरिटी क्या है। चलो निकालते हैं, देखिए सोल्यूट क्या है वो देखते हैं, ठीक, और ये सॉल्यूशन कैसा है, एक्वस मान लेते हैं इसको, अगर ना दिया हो बच्चों तो एक्वस ही लेके चलना है, दिया है तो अलग बात है, मैक्सिमम केस में आपको एक्वस सॉल्यूशन ही मिलेगा। सोल्यूट क्या है, ग्लूकोज कितना, 60 ग्राम, क्लियर। अब इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या C6H12O6 मैंने यहां लिख दिया, क्लियर। सबसे पहला काम आप लोगों को इसका मोलिकुलर मास निकालना चाहिए, मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे देखते हैं उसको भी। सबसे पहले कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, ऐसे आप लोगों ने काउंट करना है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितने मैंने एटम देखे, 3 एटम है मेरे पास, इनकी क्वांटिटी कितनी है, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन मेरे पास 12 है, ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 हो गए, क्लियर। इतना कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है, एटॉमिक नंबर 6, मास उसका 12 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16। अब इनको काउंट कर लेते हैं, कार्बन 6 12 जा 72, 12 1 जा 12, 16 6 जा 96, यही होता होगा, 12 6 72, 12 12 16 96, ठीक है ना, अगर इंग्लिश में नहीं आता तो इतना काउंट कर लेंगे। अब इनका सम अप करेंगे, 2 2 4 और 6 10, कैरी किया 1, कितना हो गया, 7 1 8 9 और 9 18, तो हमारे पास कितना आ गया, 180 ग्राम पर मोल आ गया, क्लियर बच्चों। उसके बारे में ग्राम पर मोल कैसे है उसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। अभी 180 ग्राम हमारे पास क्या आ गया, इसका मोलिकुलर मास आ गया, क्लियर। तो अब देखिए हाँ अब हमें क्या निकालना है, कैपिटल एम निकालना है, क्लियर। उसका फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, क्या था, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। शॉर्ट फॉर्म में आप इस फॉर्मूले को ऐसा लिख लीजिएगा, मोलैरिटी ऑफ फॉर्मूला, नंबर ऑफ एन फॉर रिप्रेजेंट मोल, एन किसको रिप्रेजेंट करेंगे, मोल्स को रिप्रेजेंट करेंगे, एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब हमें क्या निकालना है, मैं वाले डेफिनेशन को क्लियर कर देता हूं। देखिए अब मुझे क्या निकालना है, एन निकालना है, एन का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था गिवन मास,
डिवाइड बाय में क्या है हमारे पास मोलिकुलर मास, क्या है मोलिक्यूलर मास, गिवन मास डिवाइडेड में मोलिकुलर मास। गिवन मास हमें कितना दिया है 60 ग्राम, कितना दिया बच्चों 60 ग्राम। अब मोलिकुलर मास कितना निकल गया 180, क्लियर। 0 टू 0 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो मेरे पास कितना आया 1/3 आया। एन की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। इसको आगे मत काटना दोस्तों, बच्चे क्या करते हैं इसको यही सोल्व करने लग जाएंगे, मत काटना क्वेश्चन को, इसकी वैल्यू एज इज पुट कर देना, क्या पता सामने ऐसी वैल्यू हो जो पूरी पूरी कट रही है, क्लियर है। अब चलो आगे देखते हैं, मैंने एन की वैल्यू कितनी है 1/3 आई है, चलो आगे देखते हैं क्या होगा। अब एन की वैल्यू फॉर्मूले में पुट करूंगा तो मेरे पास क्या होगा एम इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई 1/250। अब एक बात ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां पर मेरे पास डेफिनेशन बोलती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, एक लीटर सॉल्यूशन में, मगर मेरे पास क्या है 250 ml में दे दिया, गड़बड़ हो गई भाई लोग, क्या हो गई गड़बड़ हो गई ना। तो ये 250 ml में है, चाहिए किसमें, लीटर में चाहिए भाई। 250 ml को मैं किससे डिवाइड करूंगा, मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा, 1000 कहां से आ जाएगा ऊपर, चलो देखते हैं क्या बनेगा नया, 1/3 मल्टीप्लाई 1/250 और ये 1000 कहां चला गया ऊपर चला गया, क्लियर है। ये क्या था नंबर ऑफ मोल्स, क्लियर। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 250 डिवाइड बाय 1000, 1000 से क्यों डिवाइड किया बच्चों ध्यान से सुनो, 1000 से मैंने इसलिए डिवाइड किया क्योंकि हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो लीटर में होता है, मगर हमें जो सॉल्यूशन दिया वो ml में दिया है, इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या किया 250 को डिवाइड कर दिया 1000 से, तो ये नीचे लिखा था तो ऊपर चला जाएगा, तो कितने में जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 25 को मैं 4 पे कैंसिल कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आया 4/3। अब इसको आप लोग सोल्व कीजिएगा तो कितने में जाएगी वैल्यू 3 1 3 पॉइंट, उसके बाद 10 बच गया 1.3, इतना काफी है दोस्तों। अब देखिए मेरे पास मोलैरिटी कितनी आई 1.3 आई, क्या आई 1.3 मोलैरिटी आई। अब इसकी यूनिट निकालते हैं, क्या निकालते हैं यूनिट, तो देखिए यूनिट कैसे निकालेंगे, एन ये मोलैरिटी था, इसको मैंने एन डिवाइड बाय वी, वी हमारा किसमें था लीटर में था, तो मैंने क्या लिख दिया यहां लीटर लिख दिया, एन फॉर मोल, मैंने ऊपर क्या लिखा मोल, क्लियर। इसकी क्या बन जाएगी मोल पर लीटर बन जाएगी, मोल पर लीटर डेफिनेट इसकी यूनिट में ही आंसर है, इसकी यूनिट में ही आपका पूरी डेफिनेशन है कि एक मोल सॉरी मोल कितने आप लोगों ने एक लीटर सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व कर रखे हैं बच्चों। इस मोल पर लीटर को हम लोग मोलर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं मोलर भी हम लोग इसको बोलेंगे, रिपीट कर रहा हूं मोल पर लीटर को हम लोग मोलर भी बोलते हैं। आप लोग जब भी कोई केमिकल की बोतल देखेंगे जिसके ऊपर मैक्सिमम केस में क्या लिखा होगा 3 मोलर कोई सॉल्यूशन है, इसका डाइल्यूशन करके बताओ 2.5 मोलर है, इसका डाइल्यूशन करो ये करो वो करो, सब कुछ यहीं से आप लोगों का जनरेट होगा। इस टॉपिक को बार बार वीडियो को रोक के अच्छे से समझना और अच्छे से इसके नोट्स बनाना बच्चों। चलो नेक्स्ट टर्म को हम लोग देखते हैं, जो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास वो आएगी स्ट्रेंथ, क्या आएगी बच्चों स्ट्रेंथ को हम लोग डिस्कस करते हैं, स्ट्रेंथ होती क्या है। देखिए फोर्थ टर्म आई है जो हमारे पास, हां वो है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को डिस्कस करते हैं, क्लियर। अब लिखे डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, और यहां पर जो सॉल्यूट का मास होगा किसमें लेंगे ग्राम्स में लेंगे, क्लियर, इन डिसॉल्व इन इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर दोस्तों। इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या फिर बोल सकते हैं पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना आप लोगों ने सॉल्यूट को डिसॉल्व किया है। अब की बार देखिए, वैसे स्ट्रेंथ और मोलैरिटी में थोड़ा सा ही फर्क है, स्ट्रेंथ और मोलैरिटी में क्या है थोड़ा सा ही फर्क है, वो फर्क क्या है, वहां पर हम लोगों ने मोल्स को डिसॉल्व किया था
वन लीटर सॉल्यूशन में। यहां पर हम लोग डिसोल्व कर रहे हैं उस डायरेक्ट कि टीचर ने जो भी दिया है ना कंपाउंड, गिवन कंपाउंड है, उसको कितना हम लोगों ने डिसोल्व कर दिया एक लीटर सॉल्यूशन में, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। चलो देखते हैं इसको, डेफिनेशन क्लियर कि हम लोगों ने कितना सोल्यूट डिसोल्व किया है एक लीटर सोल्यूशन के अंदर। अब देखिए इसका फॉर्मूला, स्ट्रेंथ को हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर, कैपिटल एस से। और बच्चों मेंशन कर देना कि स्ट्रेंथ को एस से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि आगे जब पढ़ेंगे तो स्ट्रेंथ का मतलब एंट्रोपी भी होता है, जो केमिस्ट्री की एक डेफिनेशन होती है, क्लियर, एक इंपॉर्टेंट टर्म होती है। तो अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं, स्ट्रेंथ मास ऑफ सोल्यूट, यहां पर लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट, या फिर आप लोग वेट भी ले सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूट हम लोग ग्राम में काउंट करेंगे, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इसमें काउंट करेंगे, लीटर में काउंट करेंगे, क्लियर है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, क्लियर। अब देखिए मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, इतना क्लियर, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला रहता है। और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, फिर भी अच्छे से आप लोगों को आना चाहिए। तो शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एस इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट को एम एस कैप स्मॉल एस, एम के पावर में स्मॉल एस का मतलब होता है मास ऑफ सोल्यूट, क्लियर है। हर बुक के अंदर आप लोग को इसका जो शॉर्ट फॉर्म होती है अलग अलग मिलेगी, जैसे आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं वही लिखे आना, ठीक है। वॉल्यूम को आप लोग कैपिटल वी से लिखेंगे और लीटर को एल से रिप्रेजेंट करेंगे ब्रैकेट के अंदर, क्लियर। अब देखिए ये था हमारे पास स्ट्रेंथ, क्लियर है बच्चों। उसके बाद छोटा सा रिलेशनशिप आता है स्ट्रेंथ का और मोलैरिटी का, उसको भी अब देख लेते हैं साथ ही साथ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशनशिप, यहां पर हम लोग रिलेशनशिप पढ़ेंगे किसके बीच में, बिटवीन एम एंड एस, एम फॉर मोलैरिटी एस फॉर स्ट्रेंथ के बीच में हम लोग रिलेशनशिप पढ़ेंगे। तो यहां पर मैं मोलैरिटी और फॉर्मैलिटी सॉरी स्ट्रेंथ का फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, यहां क्या है वन डिवाइड बाय में मोलर मास, क्लियर, मल्टीप्लाई गिवन मास डिवाइड बाय में क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखिए मैंने लिखा था एम एस, स्ट्रेंथ क्या लिखा था एम एस, एम के पावर में एस, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, जो एम एस है ये एक्चुअल में है क्या वही उसी सोल्यूट का मास है जो टीचर ने आपको दिया है, क्लियर। तो मैं इसको गिवन मास लिख सकता हूं, मतलब जो किसने दिया टीचर ने दिया, दैट इज कॉल्ड गिवन मास, क्लियर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं गिवन मास डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये क्या हो गया स्ट्रेंथ हो गया। तो क्या ये आपको कहीं और भी नजर आ रहा है, हम लोग उसको देख सकते हैं ना, ये हम लोगों ने यहां लिखा हुआ है। तो एम इज इक्वल टू एस बाय मोलिकुलर मास, मैं इसको ये लिख सकता हूं एम इज इक्वल टू एस बाय मोलिकुलर मास लिख दिया। देखो ये हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है किसके बीच का, मोलैरिटी और स्ट्रेंथ के बीच का। अब आप कहोगे सर हमें क्या फायदा है इसका, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट स्ट्रेंथ दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवा रखा होगा, और आपको बोला जाएगा चलो इसकी मोलैरिटी निकाल के दिखाओ, डायरेक्ट क्या करेंगे मोलिकुलर मास से डिवाइड कर देंगे, क्लियर। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा होगा मोलिकुलर मास दे रखा होगा और आप लोग को बोला जाएगा स्ट्रेंथ निकाल के दिखाइए, वही बार बार कैलकुलेशन कौन करेगा, सिंपल क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मोलैरिटी की मल्टीप्लाई कर देंगे मोलिकुलर मास से, दैट इज इक्वल टू स्ट्रेंथ, जो हमारे पास एक और नया फॉर्मूला आ जाएगा, क्या जाएगा स्ट्रेंथ का एक और नया फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। वो फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों, मोलैरिटी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे मोलिकुलर मास से, तो दैट इज इक्वल टू स्ट्रेंथ मेरे पास बन के आ जाएगा, इतना क्लियर, अच्छे से आएगा समझ। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फॉर्मैलिटी, बड़ा ही आसान बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही मजेदार छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, इसको समझते हैं क्या है ये। देखिए बच्चों अब हमारा जो नया टॉपिक आएगा वो आएगा फॉर्मैलिटी, क्या आएगा फॉर्मैलिटी, हम लोग किसको बोलते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कैपिटल एफ से हम लोग उसको डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन लिखिएगा, इट इज डिफाइंड एज ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन
इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन की एक लीटर सॉल्यूशन में कितना फॉर्मूला मास आप लोगों ने डिसॉल्व किया जो इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन डिसॉल्व इन पर लीटर सॉल्यूशन ही लिख दीजिए। क्लियर है? देखिए अब बिल्कुल मोलैरिटी ही है, यहां पर हम लोगों ने सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या लिख दिया, ग्राम फॉर्मूला मास लिख दिया बच्चों, ग्राम फॉर्मूला मास लिख दिया, नंबर ऑफ मोल्स की जगह मैंने क्या लिख दिया, ग्राम फॉर्मूला मास, बाकी सब कुछ वही है, कैलकुलेट करने में भी वही होता है। जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं जो हम लोगों ने एन से रिप्रेजेंट किया वो फॉर्मूला मास के इक्वल ही होते हैं, बस ये बात एक ही है, बोल दिया अलग अलग, क्लियर? भगवान एक ही है, डिफाइन कर दिया कि भगवान बहुत सारे हैं। एन फॉर नंबर ऑफ मोल्स, एफ फॉर फॉर्मूला मास, ये हम सभी कंपाउंड के लिए काउंट करते हैं, चाहे वो आपका ऑर्गेनिक हो चाहे आयनिक हो, मगर ये स्पेशली जो फॉर्मूला मास होता है आयनिक कंपाउंड के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर हुआ? जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं यहां पर हम किसी मॉलिक्यूल किसी कंपाउंड को भी काउंट कर सकते हैं, मगर जो फॉर्मूला मास होता है स्पेशली आयनिक कंपाउंड, जब नंबर ऑफ मोल्स को फॉर्मूला मास का बोलेंगे आयनिक कंपाउंड के लिए, बस इतना याद रखो। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फॉर्मूला मास जो होता है ये नंबर ऑफ मोल्स ही होता है, बस नंबर ऑफ मोल्स को फॉर्मूला मास आयनिक कंपाउंड के लिए बोला जाता है, बाकी सब कुछ वही है। देखिए आपको फॉर्मूले से ही क्लियर हो जाएगा, कैपिटल एफ क्लियर, फॉर्मूला मास कैपिटल एफ एम लिखा, ग्राम फॉर्मूला मास क्लियर, उसके बाद नीचे क्या लिखा मैंने, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मोलैरिटी क्या लिखते थे, एन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, क्लियर? इसको एन को कैसे निकालते थे, गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास या मोलर मास बोलते थे, यही बोलते थे। यहां पर क्या होगा, जो स्मॉल एफ एम फॉर्मूला मास, ठीक है, ये ग्राम फॉर्मूला मास है, इसको कैसे निकालेंगे, वही गिवन मास डिवाइड बाय फॉर्मूला मास, ये ग्राम फॉर्मूला मास है, ये है फॉर्मूला मास, क्लियर? फॉर्मूला मास क्लियर, देखिए डिफरेंस क्या है, इस फॉर्मूला मास का ही है, इस फॉर्मूला मास के बाद फॉर्मूला मास के कारण क्या बन गया, ग्राम फॉर्मूला मास बन गया, क्लियर? यहां पर क्या था, मोलर मास के कारण क्या बन गया, नंबर ऑफ मोल्स। अगर मैं बात करूं, मैंने लिया NaCl, Na का कितना होता है 23 प्लस इसका 35.5 होता है, अप्रोक्स मान लेते हैं, मान लो इसका 36 मान लिया तो कितना हो जाएगा 639235, यहां पर भी इसका यही होगा, यहां पर भी यही होगा, बस ये बोल दिया गया कि स्पेशल आयनिक कंपाउंड की जब हम बात करेंगे तो वहां पर उसकी मोलैरिटी नहीं फॉर्मेलिटी निकालेंगे, मगर ये पुराने टर्म्स थी, इतनी खास इंपोर्टेंट नहीं है, एक आधा न्यूमेरिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैंने करवाया है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो आपका मोलैरिटी ही रहता है, क्लियर? चलो अब देखिए हमारे पास टाइम बचा हुआ ना, बोर तो नहीं हो ना, बोर हो गए, चलो इतना आज के लिए काफी है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपनी रेस्ट ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स को जारी रखेंगे, क्लियर है? तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इन जो ये लॉकडाउन की छुट्टियां चल रही हैं इनका देश का बहुत नुकसान हो रखा है, अपना नुकसान मत होने दीजिएगा, आप अपना नुकसान बचा रहे हो मतलब देश का नुकसान बचा रहे हो, क्लियर है? तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपनी देख कर, चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छे से नोट्स बनाए ताकि जब आप स्कूल में जाओ तो आपका मैक्सिमम सिलेबस कवर हो चुका हो, क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।